नमस्कार मित्रों, आज हम अपने गांव पूरे सरनाम सिंह अकोहरी परसपुर गोंडा अपने सागौन के फार्म हाउस में अपने परिवार के बच्चों के साथ भ्रमण करने आए हैं। हमारे छोटे भाई की बेटी, जो हमारे घर की सबसे बड़ी बेटी है, क्या नाम तुम्हारा पूरा घर का नाम? सिम्मी है, अवंतिका सिंह। सबको नमस्ते करो। नमस्ते। ये हमारे छोटे भाई समरेंद्र प्रताप सिंह की बड़ी बेटी, ये घर का नाम सिम्मी है। वैसे बताओ नाम अपना। समृद्धि सिंह। ये है हमारी लवी, लवी बिटिया, इसका नाम है लवी। ये है रिद्धि सिंह। रिद्धि तुम्हारा क्या नाम है स्कूल का? स्मृति सिंह। और ये हमारी बेटी तानी सिंह, तानी सिंह वैसे दिव्यांशी कल्हान। आज हम 3 दिन से खूब मौज मस्ती कर रहे हैं अपने सागौन के पेड़ में। ये सागौन का पेड़ मैं 20 साल पहले इसलिए लगाया था कि हमारे घर में जो तमाम देवियां पैदा हुई हैं, इनकी शादी में जब सब बड़ी होंगी तो सबको इनको 10-10 पेड़ बेच के इनकी शादी में इनके लिए फर्नीचर्स बनवाऊंगा, इनके लिए गिफ्ट दूंगा। इसी सोच और विचार के साथ हमने जो पौधों का रोपण किया था, जो सबसे महंगी लकड़ी, दुनिया की सबसे महंगी की लकड़ी सागौन जिसे टीक कहते हैं, जो फर्नीचर बनाने में और टिकाऊ, जो हमेशा हमेशा के लिए टिकाऊ फर्नीचर होता है, खूबसूरत फर्नीचर होता है, घर के जो दरवाजे पल्ले और कुर्सियां, मेज, बेड, सोफा सब बनता है, उसी के लिए ये मैंने रोपण किया था। आज बहुत सारे पेड़ अब खूब बड़े हो गए हैं, कुछ पेड़ कटने लायक भी हो गए हैं। और इसको आइए सब लोग घुमाते रहिए। ये आज हमारे जब पिताजी स्वर्गीय सूरपाल सिंह जी थे, तब हमने ये जमीन 10 बीघे लिया था और जिसका हमने जो है पौधा लगाया था। आज जो पौधा एक छोटा सा था, आज इतने बड़े पेड़ के रूप में हो गया है। जब इसको देखता हूँ तो दिल प्रफुल्लित और लहलहा उठता है। कहा गया है कि पर्यावरण के शुद्धि के लिए, पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए पेड़ लगाना नितांत आवश्यकता होती है। आज कोरोना के महाकाल में, कोरोना महामारी में, न जाने हमारे कितने लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण असामयिक मौत के मुंह में समा गए। साथियों, पेड़ लगाइए, क्योंकि ये पेड़ जो है, जो आदमी जो अपनी विषैला जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड देता है, उसको ये पेड़ पौधे सोखते हैं। और जीवनदायी प्राणवायु ऑक्सीजन का, ये जो है ऑक्सीजन निकालते हैं, वही ऑक्सीजन आदमी के जिंदा रहने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आज हमने जो कार्य किया था उसको देख करके, वास्तव आओ बच्चे जाओ, देख करके इतना अच्छा लगता है जिसका कोई जवाब नहीं। देखिए सिम्मी, देखो तानी, इधर देखिए कितने मोटे मोटे पेड़ हैं। ये अब ये पेड़ जो है, ये काम शहरों में ये 4000 फीट जो है लकड़ी मिलती है, जो आज यहाँ पे ये है। ये देखिए ये पेड़ कितना बढ़िया हो गया है। ये देखो पेड़, अब ये पेड़ काम आने लायक हो गया है। ये पेड़ कट करके इसकी लकड़ी की वो बन सकता है। ये सब देखिए अपने पेड़ है। ये देखिए ये कितना मोटा पेड़ है। देखिए ये देखिए कितने मोटे पेड़ है। साथियों, बहुत अच्छा लगता है ये कुछ पेड़ जो है, क्योंकि गांव में चोरों की भरमार होती है, तो बहुत सारे चोर जो है आकर के पेड़ों को नुकसान उठा करते हैं और काट ले जाते हैं। लेकिन क्या करें, जो है अब इसकी जो है सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए कुछ कदम हमें ज़रूर उठाने पड़ेंगे। आइए तानी, आइए, ये कितना अच्छा लगता है, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा है? कितना बच्चों,
अच्छा लग रहा है? हाँ। हिप हिप हुरे। हिप हिप हुरे। कितना आनंददायक, कितना खूबसूरत। और आईफोन का कमाल है कि जो फोटो जो वीडियो बन रही है वास्तव में, ये देखिए कितने कितने मोटे पेड़, देखो सब लोग जाओ इस पेड़ के पास, सब लोग पेड़ के पास जाइए। ये देखिए कितने मीठ जो है मोटे मोटे पेड़। वाओ तानी जाओ, वाओ ये देखिए पेड़ है। ये देखो तानी कितना मोटा पेड़ बेटा, सबसे मोटा पेड़। देख जाओ रिद्धि जाओ उठो पेड़, हाँ पकड़ो पेड़ को, हाँ ये पेड़, हाँ ऐसे हाँ ऐसे, क्या तुम सब लोग, हाँ पकड़े पतले पेड़ को भी पकड़े, ये उस पेड़ के पास जाओ, कितना मोटा पेड़ देखो, हाँ सबसे मोटा पेड़ देख इधर, देख तानी जाओ इधर अपने पेड़ पे, करोगे फोटो खींच जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा ये ऑटोमेटिक फोटो भी ना, चल 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 चलो आओ आओ सब लोग आओ भैया, सब इकट्ठा तुम आओ ना सब लोग फटाफट फोटो के लिए आ जाओ। वाओ क्या फोटो आ रही है।